उसी में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान साजा गौरी। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूं वीआईपी फूड पॉइंट पर, जहां पर एक बहुत ही खूबसूरत इंसान जिनका नाम राजा वाल्टर है, ये तकरीबन 3 साल से हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को एक वक्त का खाना दे रहे हैं। यानी कि 3 साल से लगातार ये एक वक्त का दस्तरखान लगा रहे हैं। और इन्हीं सालों के दौरान जब रमज़ान आता है तो रमज़ान में अफ्तारी का सामान भी दिया जाता है और कुछ त्यौहार भी साथ आ जाते हैं, जिसमें त्यौहारों में गाय बगाए ये 3 टाइम का खाना भी देते हैं। आज ईद का दिन है और मैं राजा वाल्टर साहब के पास आया यूहन्नाबाद के अंदर, और मैंने जब ये यहाँ पर देखा कि आज ईद वाले दिन इन्होंने लोगों को कोरमा फिश जो खुद घर से पकवा कर लोगों में बांटी है, और ये डिटेल में बताने की बात है कि ये जितना भी खाना ये देते हैं लोगों को, ये खुद से घर में पकाते हैं और इनके साथ साथ इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है इस काम में। यानी कि खुदा का काम करने के लिए खुदा के लोग भी साथ शामिल हैं। मैं इनसे डिटेल में बात करूँगा कि रमज़ान की अगर डिटेल निकालें, मैं पूरा महीने का इनका मैंने शेड्यूल जब देखा तो अफ्तारी के टाइम पर ये अफ्तारी के टाइम पर दूध, थोड़े से फल, खाना और 2-3 चीज़ें और डालकर ये अफ्तारी में लोगों को देते थे। अगर रेशो निकाल लें तो ये मील जो है 150 के करीब बनता है। अगर 100 के बंदों की एवरेज निकाल लें तो महीने का कुछ तकरीबन 3,000 बंदा शामिल होता है। अगर 3,000 बंदे की बात करते हैं, ये मैं एक महीने की डिटेल खुद से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 3.5-4 लाख की अमाउंट बनती है। मैं इनसे पूछूंगा कि इतनी डिटेल में एक महीने के अंदर अगर आप खाना लोगों को दे रहे हैं तो ये किस तरह आपको प्रोवाइड होता है, कौन से दोस्त हैं जो साथ मिलकर ये काम करते हैं, पैसों की शक्ल में या कि खाने की शक्ल में, जी सर बताइएगा। जय यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं राजा वाल्टर यूहन्नाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए, आपने ये चीज़ें खुद से अपनी आंखों से देखी। उसमें मैं डिटेल में यही बताऊंगा कि हमने जितने भी मेरे भाई, मेरी बहनें मेरे साथ हैं फैमिली में, हमने आज तक खुदा के फजल से कभी भी डिटेल में गए ही नहीं हम के क्या लग रहा है, क्या बना रहे हैं। हमें बस अपना जो टारगेट है कि आज के दिन में हमें लोगों के लिए ये करना है, वो पूरा कर लेते हैं। और मौजूदाती तौर पर हम यहाँ पे 2 रोटियाँ और 5 मछलियों का मौजूदा जो है ना, 5 रोटियाँ 2 मछलियों का मौजूदा हम रोज़ाना देखते हैं। तो रही बात कैलकुलेशन में या इसका डिटेल में, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि मैं आज तक कभी किसी से पैसे मांगे ही नहीं हैं। मैं जब भी अपील की है, सबसे अपील यही करता हूँ कि इसको एक मयारी दस्तरखान बनाने के लिए मेरे साथ तावन करें, मेरे साथ जुड़ें, ताकि इसको वीआईपी दस्तरखान के नाम से मैं इसको जो है ना लाइफ टाइम चलाता रहूँ। तो कुछ चंद एक दोस्त बाबा मेरे, रफा भाई, यासर भाई, इनसे मैं फ्रूट और दूध वगैरह, सब्ज़ियाँ, कच्ची सब्ज़ी, इस तरह की चीज़ें लेके आता हूँ। और ये इफ्तारी में नहीं होता, ये खुदा के फजल से पूरा साल चलता है। तो इफ्तारी के दिनों में, रमज़ान के दिनों में एक बार फ्लैक्स लगाने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे इतने लोग आते हैं रोज़ खाना लेके जाते हैं, वहाँ पे चंद एक मुसलमान भाई भी आ जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा काम खाने के साथ है और ये बिला तफरीक है। इसमें कोई क्रिश्चियन, कोई मुस्लिम, इस तरह की चीज़ हम काउंट करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं सुना कि क्रिश्चनों का आटा दे दो या मुस्लिम्स का आटा दे दो, ऐसा कोई नहीं है। हमारा काम खाने के साथ है, हम यहाँ पर आए थे भूखे को खाना खिलाने के लिए। तो अपने भी रोज़ों में ये काम चलता है, माह रमज़ान जब आता है उनके रमज़ान में भी ये काम चलता है, और खुदा के फजल से हम अपने इस काम से मुतमिन है और ये जारी और सारी रहेगा। मेरी खुदा से यही दुआ है कि कुछ भी ऐसा वसीला यहाँ पे ऐसा आए जो इसको एक मयारी दस्तरखान बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े। अच्छा, मुझे याद है कि जब पहली दफ़ा आपने शुरुआत की थी तो मैं तब से आपके साथ कवरेज बगाए बगा करता रहा हूँ। मैंने आपका एक एम देखा था, एक आइडिया आपसे पूछा था, तो आपने कहा था कि जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ दस्तरखान चल रहे हैं, मैं चाहता हूं क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी एक ऐसा दस्तरखान निकले जो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर दस्तरखान लगाए। क्या वो जो खिदमत है आपकी, कहां तक पहुंची है? सर, असल में शुरू में जिस तरीके से लोगों ने मेरे साथ तावन किया था, तो मुझे यही था कि मैं सिर्फ इधर यूहन्नाबाद में नहीं, मैं मुख्तलिफ दूसरी आबादियों में भी जाके जो है ना ये खाना डिस्ट्रीब्यूट किया करूँगा। लेकिन उस 1-2 माह के बाद मुझे किसी ने टच नहीं किया या मेरे साथ तावन नहीं मदद किया। तो लेकिन ये कि मेरी फैमिली का मैं ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस मेरी फैमिली ने जितना भी रोज़ में हम ये 3-4 दुकानों से जो भी बचता है उसको कैलकुलेट करके अगले दिन के लिए हम
बजट बना के, तो फिर अगला काम फिर शुरू कर देते हैं। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि मेरी फैमिली और मेरे जो चांदिक दोस्त बाबा हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे जब आप आते हैं देखते हैं। और मैं आपसे फिर वही कहूँगा कि जब आप शुरू शुरू यहाँ पे आए थे तब भी आपने देखा कि यहाँ पे एक लंबी कतार होती थी, और उस वक्त अगर आपको याद हो तो दो टाइम खाना था। और जब कोई ईद शबराद होती है, कोई क्रिसमस वगैरह होता है, तो यहाँ पे VIP जो डिशेज है उसमें हमने जी हलवा पूड़ी, कौरमा, अंडा बिरयानी, कोफ्ता, इस तरह की चीज़ें बनानी होती है। क्योंकि हम लोग खुद भी शेफ़ हैं, हमारा फास्ट फूड का काम है, रेसिपीज़ हमारे पास खुद से बड़ी हैं। और यहाँ पे फजल खुदा कोई दाल या ये सिर्फ हलीम ही नहीं पकती है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ आइटम्स पकती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है अफशियाँ पकती हैं। तो आज के दिन में यहाँ पे मछली बनाई गई थी, तो अगर मैं कहूँ कि मैंने बनाई थी या मेरे भाई ने बनाई, नहीं, ये खुदा की ज़ात है जो मुहैया करती है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा काम। अच्छा, इस तरह नहीं हुआ अभी तक कि जिस तरह आप अपनी हिम्मत से लगे हुए हैं तो घर वालों में किसी ने कहा हो कि नहीं यार अब दिल नहीं कर रहा, भाई आप खुद से लगे रहो, अकेले लगे रहो, किसी घर ने कोई वालों ने किसी ने बात कही ऐसी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से चर्चेज़ में रहे हैं, हम ये आज काम नहीं कर रहे, हमारी उम्र जो है ना इन्हीं कामों में गुजर गई है, चर्चेज़ में खिदमत करते, उगताए हम तब भी नहीं थे, उगताए हम आज भी नहीं है। बस हम खुदा का शुक्र ही अदा करते हैं कि उसने हमारे ज़रिए इतने लोगों का रिज़क लिखा हुआ है, हमें उसमें लापरवाही नहीं करनी है, हमें उसमें उगताना नहीं है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी भाभियाँ सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, अगर एक नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ये काम जो है ना इसमें कोई लापरवाही नहीं होती है। तो जैसा मैंने देखा कि आपने जो है लोगों को देने के लिए कपड़े, जूतियाँ, राशन की शक्ल में आटा वगैरह, क्या ये सारी चीज़ें लोग पैसों की शक्ल में आपकी हेल्प करते थे कि सामान मुहैया करते हैं आप? नहीं सर, मैंने आपका अर्ज़ किया, मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगता हूँ, डिमांड ही नहीं करता हूँ कि मुझे पैसे दें आप ना। मैं ये कहता हूँ कि मतलब मिसाल के तौर पर मैं गौरी साहब को कहता हूँ, गौरी साहब मेरी कोई हेल्प करें, तो वो कहते हैं यार मैं 1000 रुपये की हेल्प कर सकता हूँ। गौरी साहब आप ऐसा करें कि 1000 रुपये का मुझे कुछ सामान ले दें आप आके मुझे आटा ले दें, मुझे सब्ज़ी ले दें, मुझे ऑयल ले दें, आपसे मैंने कुछ चीज़ की सूरत में वो चीज़ जो डोनेशन है वो लेके आनी है, पैसे मैं आपसे कभी भी नहीं लेके आऊँगा। और खुदा के फजल से आज तक मैंने कभी किसी को पैसों की डिमांड की ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कभी दूध भी बांटा जा रहा होता है और देगों के हिसाब से बांटा जा रहा होता है, कभी मछली, कभी बकरा भी यहाँ पे पकता है, कभी मुर्गी यहाँ पे पकती है। तो खुदा के फजल से मतलब जब मैं किसी को कहता हूँ तो खुदा उनके दिलों को खोलता है, और यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ जो है इन लोगों के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होती हैं। जिस तरह आपने 3 साल पहले एक अज़म लेके आए थे कि मैं इस दशकों को आगे बढ़ाऊँगा, इस हवाले से हमारी मिसी कम्यूनिटी को पैगाम देना चाह रहे हैं आप? पैगाम मेरा तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं, बस मैं अक्सर जो शुरू से एक ही बात लेके आता जा रहा हूँ कि अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद प्यार कर। मैं कहता हूँ कि ना इतना लोगों की तरफ ध्यान करें या इतनी खलकत की तरफ ध्यान करें, सिर्फ अपने आसपास में एक दो फैमिलीज़ का जो है ना ध्यान करना शुरू कर दें आप, उनकी बीमारी का, उनके खाने पीने का, ख़ास तौर पर अगर किसी के बच्चे आप पढ़ा लें तो ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज आप देखें हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में कॉन्वेंट्स बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन अगर आप देखें तलीमी मेयार के हिसाब से हम जितना ऊपर थे हमारे बच्चे उतने ही जो है ना आपको पता तलीम से महरूम है। तो आज अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो ये बच्चे कल को हमारी कौम का जो है ना मुस्तकबिल रोशन करेंगे। तो पैगाम में मैं यही कहूँगा कि अपने पड़ोसी का अपनी मानिंद प्यार कर, अपने पड़ोसी को ख्याल रखें, उनके बच्चों को पढ़ाने की तरफ तवज्जो दें, अगर किसी के बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे वो उनके बच्चों को पढ़ाने की तरफ तवज्जो करें, उनकी कोई अदवियात या कोई खाने पीने की अशिया ऐसा की फ्राहम करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। बहुत शुक्रिया राजा वाल्टर साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया, और मैं चाहूँगा कि जिस तरह राजा वाल्टर से मैंने तफसीलन बातें की हैं इस फूड पॉइंट के हवाले से कि जो ये डेली के हिसाब से ये दस्तखान चला रहे हैं, तो कुछ बातें मैं इनके भाई से ही पूछूँगा जो भी इनका साथ भी साथ दे रहे हैं। तो आइए इनके भाई से भी बात करते हैं। जी भाई बताइएगा कि जिस तरह आपकी पूरी फैमिली जो है इस दस्तखान को चला रही है, खाना घर पर बन रहा है, तो मैंने अभी आज भी देखा है और पहले भी देखता रहा हूँ कि आप खुद से खाने को सर्व भी कर रहे होते हैं, कभी कोई जहन में नहीं आया कि यार अब छोड़ो यार ये के काम कर रहे हैं हम? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी इंसान दुनिया में करता है वो सिर्फ सुकून पाने के लिए करता है कि इंसान को दिली सुकून चाहिए, जहनी सुकून चाहिए। तो जब आप खुदा की राह में कोई अच्छा काम कर रहे हैं और आपके दिल को सुकून मिल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कहेंगे कि नहीं, इसको ना करने के मकसद है कि आप अपनी बेसुकूनी चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से कुछ ऐसे लोग और मज़ीद आएँ, जिस तरह आपकी फैमिली राजा वाल्टर जो हैं ये काम कर रहे हैं, तो इस तरह के लोग और मज़ीद आगे आएँ, ये चाह रहे हैं आप? जी क्यों नहीं, हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मेरा शुरू से ये कहना है कि हम एक दूसरे की अगर हेल्प करें
तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी की तरफ हाथ फैलाने की या किसी की तरफ देखने की ज़रूरत है। अगर हम ये मैसेज इसीलिए इस इत्तेहाद का मैसेज ही जाता है कि जब हम यकजा हो जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरा शख्स या दूसरा फिरका हमें नफरत से भी देखे। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कलाम में लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। राजा वाल्टर और उसकी फैमिली यही काम कर रही है, यानी कि दोस्त मिलते जा रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है। और जो अज़्म, जो ख्वाब राजा वाल्टर ने देखा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह का दस्तरखान पूरे पाकिस्तान में चलाऊँ, तो मेरा ख्याल इस ख्वाब को पूरा होना चाहिए। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको साथ मिलने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जिस तरह राजा वाल्टर साहब कह रहे हैं कि जी मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, आप मुझे खाने का सामान दें, फूड का सामान दें, दूध दें, जो भी खाने की चीज़ें हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं वो मुझे प्रोवाइड करके दें, ना कि पैसों की सूरत में, चीज़ों की सूरत में। तो मेरा ख्याल है 3 साल से ये बंदा ये काम कर रहा है। तो अगर कुछ दोस्त अहबाब मिल चुके हैं और औज़ जो है मसीह कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि मुखय्यर जा जितने भी हैं मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं नीचे नंबर भी लिख दूंगा इनका, कि आप इनसे राबता करके इनसे जो भी इस हवाले से मुश्किलात आ रही हैं उनको हल करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमारे मसीही कौम की ज़रूरत है कि हम मिलकर इनका साथ दें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।